सर आज आप थाना प्रभारी से मिले, क्या कुछ विषय रहा वहाँ पर, क्या कुछ बताया गया आपको? थानेदार साहब ने सभी अटेली के मौजूद आदमियों को बुलाया और जो भी समस्या थी उन्होंने पूछी, और जैसा भी चौकीदार का था तो उन्होंने अच्छी तरह सुनी और उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि भी कोई भी बात हो किसी टाइम भी मेरे पास फ़ोन करो और मेरा बंदे वहाँ पर टाइम पे पहुँचेंगे और तुम्हारी सहायता करेंगे। हर तरह से बाजार वालों के साथ हूँ और बाजार वालों ने भी यही आश्वासन दिया है कि भी हम आपके हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सर आज आपने जो दुकानदार हैं अटेली के उनको बुलाया था, क्या विषय था? जो मार्केट में मेन जो मार्केट होल्डर हैं उन दुकानदारों को मैंने बुलाया था, उसमें कई हमारे जो अटेली के पुलिस मेदादी पर्सन हैं उनको भी मैंने बुलाया था और एक मीटिंग ली गई थी। मीटिंग का माध्यम यही था कि मार्केट में जो भी प्रॉब्लम है उनके बारे में मैं उनसे सुनना चाहता था, पूछना चाहता था। उन्होंने अपनी समस्याएं रखी हैं, उन समस्याओं को जल्दी हम सर किस प्रकार की समस्याएं यहाँ जो दुकानदार उन्होंने समस्याएं रखी हैं, जैसे मार्केट में जो हमारे विषय वस्तु से नहीं है, जैसे मार्केट में जो मेन मार्केट है उसमें कोई शौचालय वगैरह की सुविधा नहीं है, जिसके बारे में मैंने उनको पार्किंग की समस्या भी सर है। हाँ पार्किंग वाली तो हम 3-4 दिन लगातार हो लिए, जो अननेसेसरी पार्किंग करता है हम उनके चलान काट रहे हैं 3-4 दिन से, और ये नोटिस में इनके भी है कि मार्केट में जो ये रोड पे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं उनका हम रॉन्ग पार्किंग का लगातार 4-5 दिन से हमने भी ये अवेयरनेस चलाया हुआ है कि डेली हम जाके दिन में मार्केट में जाते हैं और अपनी गाड़ी लेके, मैं भी 3-4 बार गया हूँ, हम डेली की डेली चलान काट रहे हैं और ये पार्किंग वाली समस्या दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और किस प्रकार की जानकारी आपने जो दुकानदारों को दी है? दुकानदारों को हमने ये दिए, कोई भी अगर नशे के बारे में कोई भी मार्केट में आपको सूचना मिलती है आप हमें बताइए, हम कोऑपरेट करेंगे। और दूसरी बात, कोई भी किसी प्रकार का भी अपराध घटता है तो तुरंत आप मुझे या डायल 112 पे सूचित कीजिए ताकि पुलिस को सूचना मिले और हम नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जा सके। साइबर संबंधित जो दुकानदारों को समस्या आती है उनके बैंक अकाउंट खाली होते हैं और कई बार ऐसी घटनाएं पुलिस के सामने भी आती हैं, तो क्या कुछ उनको सुझाव दिए गए हैं? साइबर के संबंधित आज जैसे आज मंथ का फर्स्ट वेडनेसडे है, हमारा साइबर कैंपेन भी चला हुआ है, उसके अनुसार भी मैंने हिदायतें दी हैं कि आप जब भी ऑनलाइन पेमेंट करवाते हो ये क्लियर कर लीजिएगा, जब तक पेमेंट आपके नहीं आती आप पेमेंट को एक्सेप्ट मत मानना कि पेमेंट आ चुकी है, और इस बारे में आप अवेयर रहें। एक दूसरा, फ्रॉड कॉल्स, फेक मैसेजेस और UPI कोड के बारे में मैंने इनको सबको जानकारी दी है और सबको हिदायत दी गई है, और यही बताया गया कि जब तक आपके पास पेमेंट नहीं आती आप पेमेंट एक्सेप्ट मत करना कि पेमेंट आ चुकी है। दूसरी रही बात, मैंने इनको यही बताया कि अपने घर पे परिवार पे सबको ये जानकारी दें कि फेक कॉल ना उठाएं और फेक कॉल पे ना बात करें, ना उठाएं ना बात करें। कई बार ऐसा होता है बच्चे या हाउसवाइफ जो उनकी वाइफ होती है वो फ़ोन उठा लेते हैं, फिर उसमें उनके साथ फ्रॉड हो जाता है।